यीशु मसीह हमें बुद्धि दे कि हम प्रभु के सहायता से समझें। प्रभु जी हमें बुद्धि दें कि हम समझें। हाँ, फूलों फलों पृथ्वी भर जाओ, उसको वश में कर लो। इंग्लिश में लिखा हैव डोमिनियन, हैव डोमिनियन। उत्पत्ति में लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के 28वें पद में क्या लिखा हुआ है, पहले अध्याय के 26, 27 और 28 पद में यहां पे लिखा हुआ है, अट्ठाईसवें पद में क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, 1:28 यहां पे लिखा फ्रूटफुल मल्टीप्लाई रिप्लेनिश द अर्थ सबड्यू इट डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी ओवर द फाउल ऑफ द एयर ओवर द यू नो क्या बोले प्रभु ने, रिप्लेनिश सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। ये सारी जवाबदारी किसको दी पता है, किसको दी, एक शादी को। ये सारी पावर्स किस फाउंडेशन पे रखी पता है, शादी पर। ये जो पावर है ना डोमिनियन, प्रधानताओं के भी ऊपर आदम थे। बहुत जो प्रधानताओं ने जो जगह ली वह मनुष्यों के लिए, वो जो बैठ गई हैं प्रधानताएं है ना, जो दानियल के समय ये सब मनुष्यों की पोजीशन थी, और आदम और हव्वा को वो पोजीशन दी थी उन्होंने, उनकी मैरिज को इतनी पावर थी। आपको पता है प्रभु किसी फाउंडेशन पे ही तो कुछ चीज रखेंगे ना, नींव पर ही तो टिका है सब। तो वो असाधारण पावर जो पूरे के पूरे अंधकार को खत्म करने के लिए थी, शत्रु को भी धरती से हटाने के लिए जो पावर परमेश्वर ने दी थी कि समुद्र जल थल वायु पर प्रभुता, जल थल वायु की प्रभुता, इतनी बड़ी पावर किस फाउंडेशन पे थी, वो फाउंडेशन मैरिज थी। अद्भुत है प्रभु। इसका मतलब ये चीज इतनी पावरफुल है, आप कहोगे नहीं वो तो चर्च को प्रभु ने दिया है, तो वो भी तो एक मैरिज ही है। जो पहला आदम नहीं कर पाए वो दूसरे आदम ने किया, जो पहले आदम की मैरिज फेल हुई दूसरे आदम ने अपनी दुल्हन को लेकर अपनी वाइफ के साथ वही काम फिर चालू कर दिया। समझ रहे हो, प्रभु ने फिर वही सेम काम अपनी वाइफ के साथ चालू कर दिया। आज भी वो मैरिज ही तो कर रही है जो डिलीवरेंस आ रहा है। ये भेद तो बड़ा है, बहुत बड़ा भेद है। और पौलुस कहते हैं ये मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हमने उसकी सतह को भी टटोलना चालू नहीं किया अभी। ग्रेट मिस्ट्री, ग्रेट मिस्ट्री। मैरिज के फाउंडेशन पर प्रभु ने वो पावर्स रखी हैं, और वो पावर
की नींव, समझ रहे हो? प्रभु ने क्या बोला? पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन है? दुल्हन प्रभु की। और कहा कि तुझ पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मतलब ऐसी पावर दी अपनी दुल्हन को, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छों को रौंदने का दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। लूका 10:19। इसका मतलब वो दुल्हन को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये बात हम कर रहे थे अभी। वो दुल्हन को ज्ञान होना जरूरी है कि अपने राजा स्वामी पति को जिताए। आप समझिए, ये सिक्के के दोनों पहलू में चल रहा है। दुल्हन को अपने स्वामी को जिताना है, दुल्हन को अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना है। आधीन रहकर, यहां मैं देखो, अब मैं डबल बात हो रही है, अगर आप समझ रहे हैं इस बात को। यहां तो यहां एक है ना, आज कलीसिया की भी बात हो रही है और हालेलुया। और दुल्हन के द्वारा सांप घुसने की कोशिश कर रहा था वाटिका में। वाटिका, सर्कल, प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री, आज भी प्रभु ने कलीसिया को जवाबदारी दी है। और वो चर्च अगर जाने, नॉलेज रखे, आधीन हो जाए सबसे पहले तो, और आधीनता को अपना सुख समझे, कलीसिया जो एक पत्नी है, दुल्हन है, कलीसिया, क्योंकि ठीक कलीसिया के साथ भी वैसा ही हुआ। आदम की पसली निकाली और हव्वा बनाई गई, 1 तिमोथियस 2:14 में लिखा है ना, आदम में से निकली है ना। आप पढ़ते हो कि किस रीति से प्रभु ने उत्पत्ति में आदम की पसली निकाली और उसको हव्वा बना दिया, फिर आदम के पास ले आया। प्रेज लॉर्ड। पहले तो मुझे उस 2:13 में लिखा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:22 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ठीक, प्रभु ने क्रूस पर उनके पसली में भाला घोपा गया, उनकी पसली भी खुली, और प्रभु की पसली में से हम देखते हैं लहू और पानी बहा, और कलीसिया का निर्माण प्रभु ने किया, दुल्हन बनाई अपनी। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया अगर आधीनता के भेद को समझ जाए और अपने दुल्हन होने के भेद को, कलीसिया प्रभु के अधीन होने के भेद को समझ जाए, और जो जवाबदारी कलीसिया को है वो समझ जाए, तो आपको समझ में आएगा। अदन की वाटिका में भी शत्रु आदम से नहीं लड़ा, हव्वा के जीवन के द्वारा काम करने की कोशिश की। आज भी शत्रु आदम से, दूसरे आदम हमारे प्रभु से लड़ नहीं सकता, तब भी नहीं लड़ सकता, पता है? और उसकी बहुत छोटी सी यूनिट है, वो उस स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड से भी शायद सामने से ना लड़ पाए या जीत नहीं पा रहा हूं, सामने से जीत ही नहीं पा रहा हूं, और रास्ते ही नहीं दिखते।
अदन की वाटिका में हव्वा के पास आया, आज चर्च के पास आ रहा है, और वो छोटी सी जो यूनिट है चर्च की, चर्च क्या है जहां दो या तीन, तो चर्च क्या है, वो फैमिली, पति पत्नी या बच्चे, चर्च की छोटी यूनिट। आप समझ रहे हैं इस बात को, चर्च की यूनिट क्या है, वो पति जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो पत्नी जो पति के अधीन है, वो बच्चे जो माता पिता के अधीन है, और इस प्रकार से प्रभु के अधीन है, ये चर्च है। प्रेज लॉर्ड, चर्च कभी बंद नहीं हुए, लॉकडाउन में भी नहीं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, चर्च हुए क्या बंद? चर्च कभी बंद नहीं हुए, लॉकडाउन में इवन चर्च लगने लगे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि दुआओं की जरूरत थी ना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपका मेन चर्च वो जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे चर्च इकट्ठे होते हैं, वो मेन चर्च है। और इसी प्रकार से और छोटे छोटे पूरी दुनिया भर के चर्च मिला के मेन कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कलीसिया कितनी, कलीसिया बिना दाग झुर्री की तब होगी जब वो मैरिज बिना दाग और झुर्री की होगी। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। जब वो मैरिज परफेक्ट होगी, जब वो मैरिज राज कर रही होगी, तब कलीसिया राज करती है। जहां मैरिज फेल होती है वहां कलीसिया। कलीसिया कितनी पावरफुल है, इस पर डिपेंड है कि आपकी मैरिज कितनी पावरफुल है। क्योंकि कलीसिया में प्रभु आपको जाने पर जो सब देते हैं, वो आप तभी संभाल सकते हो जब आपकी मैरिज ठीक। इसीलिए जो आपको प्रभु ने दिया, वो चर्च से आते से ही जो आपकी लड़ाई बहस और झगड़े और एक दूसरे को समय नहीं देना, और ये वो फंदा है जिसके द्वारा जो अपने चर्च में पाया उसको वो चुराना चाहता है। आप अपनी आत्मिकता और चर्च में जो भी प्राप्त करोगे वो आपकी मैरिज पर ही टिकेगा। मैरिज कोई अजीब सी चीज नहीं है कि बस आप बस शादीशुदा हो और बाकी आत्मिक चीजें अलग हैं। आपकी मैरिज ही आत्मिक है। मैरिज परमेश्वर ने बनाई, प्रभु ने आदम हव्वा को बनाया, क्या वो आत्मिक थे ना? तो फिर उनकी शादी भी, और जब उनकी शादी का परमेश्वर ने पर्पस दिया तो क्या बोला, फूलो फलो। मतलब हर मैरिज का पर्पस है, वो आत्मिक है। इसका मतलब आपकी शादी का एक आत्मिक पर्पस है, इसलिए आप शादीशुदा। और क्यों उस मैरिज के होते से ही उस पर अटैक आता है? क्योंकि उस मैरिज से कोई ज्यादा डरता है। आ रही है आप समझ में? क्यों अटैक हुए उस मैरिज पे? क्योंकि उस मैरिज का रिजल्ट कुछ ऐसा था जो वो मैरिज जिनकी हुई वो भी नहीं जानते। हाबिल को क्यों मारा? केवल जलन के कारण? नो, परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश तेरे सर को कुछ लेगा, और स्त्री से पैदा हुआ हाबिल की भेंट डायरेक्ट जा रही थी। उनने कहा इसी यही होगा या इसके द्वारा होगा, इसको मारो। आपकी मैरिज में अटैक बता रहे हैं, ये मैरिज प्रभु को सुगंध देती है, सुख देती है। इस मैरिज की वेदियों की धूप प्रभु की उपस्थिति तक जाती है। हालेलुया। इसलिए इस वेदी को तोड़ा जाने की कोशिश है।
मैंने कहा था आपको रिलेशनशिप पे ध्यान देने लग जाओगे तो दुआएं कम करनी पड़ेंगी तो भी ब्लेस्ड होने लग जाओगे, क्योंकि आपकी वेदी सुधरी रहे तो 1 सेकंड में आपकी दुआओं का उत्तर आता है, और अगर आपस में मेल मिलाप ना हो तो प्रार्थना रुक जाती है। उत्पत्ति के 4th अध्याय में सक्सेस का मतलब होता था प्रभु भेंट स्वीकार कर ले, सफलता का मतलब खुदा ने भेंट ले ली, यह है सबसे बड़ी सफलता उत्पत्ति में। तो 4th पद में यही देख रहे हो ना, अब आपकी भेंट स्वीकार हो जा रही है और प्रभु खुश हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी सफलता है। इसको लाइफ लॉन्ग बचाना है आप। टूटी हुई वेदी को सुधारना है, इस वेदी को संभाल के रखना है, क्योंकि आप अकेले जितने पावरफुल थे उससे ज्यादा पावरफुल आप दो में हो, और आपका अच्छा नहीं था अकेले दुआ करना, अकेले रहना, दुआ करना तो ठीक है, अकेले रहना अच्छा नहीं था, इसलिए प्रभु ने दो करके जोड़ा, और वो दोनों की जो भेंट थी, वो मैरिज की जो भेंट है, वेदी है, वो प्रभु तक जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। विलियम कैरी जी की मैरिज का जो रिजल्ट था वो क्या था, समझ रहे हो? हर एक मैरिज का एक उद्देश्य है, पर्पस है। उस मैरिज जो आदम हवा जी की मैरिज थी उसके पर्पस क्या था पता है? फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो, ये पर्पस था, और ये पर्पस स्पिरिचुअल था पूरी रीति से। प्रेज लॉर्ड। आपकी आपकी शादी अगर प्रभु की योजना में हुई है तो वो आत्मिक है पूरी रीति से। प्रेज लॉर्ड। और उसका पर्पस भी आत्मिक है। कहीं शादी आत्मिक होती है? तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो आत्मिक हैं और हम आत्मा में चलते हैं और हमें शादी और ये रिलेशनशिप और इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, तो वो आत्माएं जो खुद भी आत्मिक हैं वो आपकी शादी पर अटैक क्यों कर रही हैं? किसी ने कहा उद्धार पाने के बाद सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि आप शादी किससे करोगे, तो जितना आप अपने उद्धार को संभालते हो उसके बाद दूसरे नंबर आपको अपनी शादी को भी तो संभालना चाहिए। तब भी शादी पर अटैक था, आज भी कलीसिया को शत्रु नहीं चाहता कि वो प्रभु के पास जाए, शादी तोड़ने की बात है। बात शादी तोड़ने की है, और शादी हो जाती है तो फिर वो चाहता है कि पत्नी अधीन ना रहे, पति के प्रेम नहीं उस तक पहुंचे, ये भेद तो बहुत बड़ा है। आप प्रेज द लॉर्ड, जब समझ रहे हैं इस बात को, आप वो सब जो कुछ करना है आपको वो उस पर डिपेंड है कि आपकी मैरिज कैसी है। और उसको बेचकर या खोकर कुछ भी प्राप्त करना सबसे बुरा सौदा है। खोना नहीं है ये तो सबसे, क्या शब्द का इस्तेमाल करूं मैं, ना समझी की पराकाष्ठा होगी कि जिस नींव पर प्रभु आपको सब खड़ा करके देना चाहते हैं आप उस नींव को खोने खोना चाहते हो, खोने के लिए उस नींव के ऊपर जो आएगा उसको पाने के लिए आप नींव को खो दो। जो ऊपर है वो चले जाए तो भी आ जाएगा अगर नींव है तो, लेकिन नींव अगर चले गई तो आप रखोगे कहां जो मिल जाएगा उसे।
क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? सब लोग आजकल, जब मैं विश्वास में आया था तब मैरिज के सरमंस इतने नहीं आते थे, और जब मैं 10th में 9th में था, जब इवन मैं कॉलेज में था, यूट्यूब जब चालू ही हुआ था मेरे सामने, तब वहां पर ये सरमंस बहुत कम थे, और आज भरमार है। हर थोड़े दिन में चर्च में मैरिज का प्रचार क्यों हो रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो मैरिज आत्मिक है, और मैरिज की सारी चीजें आत्मिक हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो डोरी है जो तीन तागे से बटी हुई है, प्रभु जी हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, और इसे तोड़ना मुश्किल है, और इस ही धागे से वो सारा आकार इस धरती पर प्रभु ने बनाने की योजना बनाई थी। आदम हव्वा की मैरिज के ऊपर ही परमेश्वर ने, तब आदम हव्वा के पास, आदम के पास जब नहीं आए, जब हव्वा नहीं थी, वो पावर रिलीज तब हुई, और क्या कहा, दोनों से कहा, फूलो फलो। आदम अकेले फूल फल नहीं सकते थे, उनकी सहायक के साथ उनको वो असाइनमेंट दिया। आदम को तो एक सहायक मिल गया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन प्रभु को एक ग्रुप मिल गया। प्रभु चाहते थे वो ग्रुप प्रभु की सेवा करे। हो सकता है आपको बस अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई, और आप, अब मैं पहले अकेला था, अब मैं दो हो गया हूं, अब मेरी लाइफ सेटल है। नो, आदम भी शायद ये बात नहीं जानते होंगे उस वक्त, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा ना कि इस जोड़े को जोड़ने का मकसद मेरा ये है कि तुम फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और तीनों क्षेत्रों में राज्य करो, अधिकार रखो। आपके लिए आपकी मैरिज क्या है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु के लिए आपकी मैरिज क्या है। इसलिए आप आसानी से एक दूसरे को छोड़कर जाने की बातें करते हो, लेकिन प्रभु आपको हर कीमत पर जोड़ने की बातें करते हैं। आपके लिए शायद उसका मायना इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रभु के लिए उसका मायना बहुत डीप है। आपकी बुलाहट उसी पर डिपेंड है, आपकी सेवकाई उसी पर डिपेंड है, आपका भविष्य उसी पर डिपेंड है, आपका सब कुछ उस पर डिपेंड है, आपका सब कुछ उस पर डिपेंड है। आपका सब कुछ उस पर डिपेंड है। इसलिए जैसे ही शादी होती है, प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम, और मुद्दा क्या है, दो लोगों को अलग करना, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। और वो इंसानों को लग रहा, हमने ऐसा क्या कर दिया, अरे आपने मैरिज कर ली तो भैया इसमें क्या हो गया, सब करते हैं। अरे आप पता करो प्रभु का असाइनमेंट क्या है आपके लिए, तब आप बोलोगे यार ये तो बहुत कम हुआ, ये तो स्वाभाविक है। Praise the Lord. फाउंडेशन, नीवे ढा दी जाए ना तो धर्मी क्या कर सकता है। मैरिज एक स्वयं में, अपने आप में एक फाउंडेशन है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि उस पर बहुत बड़ी पावर रखी जाती है। आदम अकेले जितने पावरफुल हैं, लेकिन वो उन तक सीमित है। आपको पता है आदम बहुत पावरफुल थे, लेकिन उनकी वो सारी पावर उन तक ही सीमित थी, और उनके और प्रभु के बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो पावर उन तक सीमित थी। आप अपने बैचलर में अपने आप को पावरफुल बनाते हो, आपकी बैचलर लाइफ कुंवारेपन की अवस्था इसलिए है कि आप अपने आप को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बेहतर बनाते हो, ताकि आप बहुत ऊपर आत्मिक रीति से पहुंच सको अपने स्तर में, जिसको आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहते हो। तब उस अवस्था में पहुंचने के पश्चात प्रभु आपको देखकर कहें कि हां अब
अब इसका वो लेवल है कि अब इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, अब इसकी जो पावर है इसको मैं फैलाना चाहता हूं। तो फैलाने के लिए वो लाइफ पार्टनर को प्रभु भेजते हैं। प्रेज लॉर्ड। उस पावर को रिलीज करने के लिए इस धरती पर प्रभु अब उस लाइफ पार्टनर को भेजते हैं। तो सबसे पहले वो पावर तो उसकी लाइफ पार्टनर पे रिलीज होती है। प्रभु ने जो ज्ञान आदम को दिया था वो हव्वा तक पहुंचा और हव्वा के द्वारा आगे जनरेशन तक पहुंचा। सेम जो परमेश्वर ने आदम में इंस्टॉल किया था वो पृथ्वी पर काम नहीं कर सकता अगर हव्वा नहीं है तो। आदम कौन है इस धरती को बताने के लिए हव्वा थी। आदम इतने ज्यादा डीप थे और इतने ज्यादा सेपरेट थे और इतने ज्यादा पावरफुल थे, हव्वा इसलिए थी कि उस डीपनेस को रिवील करें, उस सीक्रेट को बताएं, उस पावर को प्रदर्शित करें और आदम जैसे और आदम इस दुनिया में पैदा हो। चर्च भी क्यों है? ताकि प्रभु की महिमा को इस धरती पर बताए, प्रभु के सीक्रेट को इस धरती पर बताए, प्रभु की पावर को इस धरती पर बताए और चर्च में प्रभु जैसे कई आत्मिक संतानें पैदा हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कैसे हैं ये तब पता चलेगा जब कलीसिया बताएगी। आदम कैसे हैं ये तब पता चलेगा जब हव्वा बताएगी। आपके अंदर जो इंस्टॉल सालों से किया है वो तब पता चलेगा जब आपकी, समझ रहे हो? कोई नहीं जानता उस आदम को। सीक्रेट है वो आदम, रहस्य वो आदम। केवल वो जो उस आदम की संगनी है वो ही जान पाती है कि ये वास्तव में इंसान कैसा है। उसकी ग्लोरी को, उसकी सॉफ्टनेस को प्रभु ने उसके अंदर जो महिमा इंस्टॉल की है उसे, वो इंसान कैसा है चर्च बताती है ना। चर्च के द्वारा ही तो वचन में लिखा है एफिसियों में कि चर्च के द्वारा प्रकट हो। प्रेज लॉर्ड। इफिसियों 3:20 में क्या लिखा है? या मेरे ख्याल से देखते हैं कहां लिखा है। इफिसियों 3 अध्याय के, हाँ, दस में लिखा है, इफिसियों 3:10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। वो भी नहीं जानते प्रधान और अधिकारी भी नहीं जानते। चर्च के द्वारा उनको पता चलता है परमेश्वर का डीप नॉलेज। प्रेज़ लॉर्ड। होता है कई बार कि उस पुरुष के मित्र नहीं जानते वो पुरुष कैसा है, लेकिन उसकी वाइफ आने के बाद समझती है कि इंसान कैसा है। और तब उसकी वाइफ के द्वारा जो प्रकाशित होता है इस पुरुष के बारे में, इसीलिए वचन में लिखा है परमेश्वर की महिमा पुरुष और पुरुष की महिमा स्त्री। तो आप इस धरती पर आकर अपने पुरुष की महिमा कर रहे हो कि नहीं? पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, और 7वां पद,
फॉर अ मैन इंडीड आउट नॉट टू कवर इज हेड, पुरुष को सिर ढाकना उचित नहीं है। फॉर एज मच एज ही इज द इमेज एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि पुरुष परमेश्वर की छवि और महिमा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट द वुमेन इज द ग्लोरी ऑफ मैन। वाओ, स्त्री पुरुष की महिमा है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? कलीसिया को श्वेत वस्त्र, मलमल के वस्त्र पहनने को दिए गए, जो पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें न दाग है न झुर्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुष की महिमा उसकी पत्नी है, समझ रहे हो? परमेश्वर की महिमा पुरुष है और पुरुष की महिमा उसकी वाइफ है। अभी हमने क्या पढ़ा, 11:7 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा हुआ है, एज मच एज इज ही इज द इमेज एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, ही मीन्स एडम मीन्स पुरुष परमेश्वर की महिमा है, इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, बट द वुमेन इज द ग्लोरी ऑफ मैन, वुमेन इज द ग्लोरी ऑफ। और क्या लिखा हुआ है नीति वचन 12:4 में, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। वुमेन, वर्चुअस वुमेन इज अ क्राउन टू हर हस्बैंड। क्या है वो? मुकुट है, मुकुट है, मुकुट क्या है? महिमा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया को अपने स्वामी की महिमा को इस धरती पर फैलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कलीसिया के जितना दायरा है वहां तक प्रभु की महिमा फैले। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद कुछ स्त्रियों को अपना असाइनमेंट पता चल रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पुरुष को चाहिए कि उसमें प्रभु की, उसके द्वारा पहले प्रभु की महिमा हो, ताकि उस पुरुष के द्वारा, पुरुष के जीवन को देखकर स्त्री के द्वारा पुरुष की महिमा हो सके। पुरुष परमेश्वर की महिमा करता है तो स्त्री अपने पुरुष की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को? आमीन। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि इस रीति से जब आप पढ़ते हैं तो आप इस बात को समझें कि आपको, और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है किस प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनने को दिए गए प्रभु, और कलीसिया कितनी निष्कलंक, कितनी पवित्र, ओ हालेलुया, कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छा लगेगा प्रभु जी को जब उनकी दुल्हन पूरे अच्छे श्वेत वस्त्रों के साथ अलग ही प्रभु के पास आएगी। वाओ। आमीन। उसी की तो इमेज, उस ही चीज़ की कॉपी हम करते हैं कि जब पुरुष खड़ा होता है कलीसिया में और स्त्री आती है, वो श्वेत वस्त्र गाउन पहनकर, वो महिमा का वस्त्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी की पूरी कलीसिया को प्रभु जी जो देंगे, स्त्रियों आपको प्रभु ने इस धरती पर भी देने की इच्छा रखी है। आपको पता है आप कितने यूनिक हो, वैल्यूबल हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी वैल्यू शायद आज समझ में नहीं आती, जिस रीति से चर्च को आज अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती। शत्रु ने एक अटैक किया कि स्त्री को उसकी वैल्यू समझ में ना आए इंडिविजुअल रूप में, और वो स्त्री जो प्रभु की कलीसिया है उस पर भी ये आक्रमण किए जाते हैं कि वो अपने आप को बेचारा समझे, गरीब समझे, लाचार समझे, अपनी वैल्यू ना करे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। चर्च के लोगों के अंदर ये व्यक्तिगत रीति से क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो स्त्री हैं, वो कलीसिया हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ही हर स्त्री में भी वही डाला जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जबकि आप क्या हो, ये प्रभु जी की दृष्टि से देखो, आप बहुत स्पेशल हो। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत यूनिक हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। आपका पुरुष जितना स्ट्रांग है, लेकिन उसकी वो स्ट्रांगनेस आप ही के जीवन के द्वारा प्रकाशित होगी। हालेलुया। वो तो छुपी हुई थी, कोई नहीं जानता था, उस पुरुष के मित्र भी नहीं जानते थे कि वो पुरुष कौन है। प्रभु जी कैसे हैं, प्रधानता अधिकारी भी नहीं जानते थे,
कलीसिया के द्वारा एंजल्स को पता चल रहा है ना। वचन में क्या लिखा है? प्रधानता और अधिकारियों के को पता चलता है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें देखकर प्रभु के चारों तरफ रहने वाले वो प्राणी समझ पाते हैं, प्रधानता अधिकारी समझ पाते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। एक पुरुष को उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं जानता और ना रिवील कर सकता है। अब आपको पता वाइफ होना कितना यूनिक है। वो पुरुष खुद भी अपने आप को नहीं प्रकाशित करेगा, उसका काम आपका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो मल्टीप्लिकेशन की पावर है वो स्त्री के पास ही है। प्रेज लॉर्ड, स्त्री के पास प्रभावित करने की पावर है। जब उस पुरुष के पास उसकी स्त्री आती है तो वो पुरुष वास्तविक क्या है वो देखने लगता है। उसके पहले वो छुपा हुआ था, यहां तक कि उस पुरुष के घर वाले माता पिता भी नहीं जान पाते थे कि वो इंसान रियल में कौन है, किस लेवल की सोच रखता है, क्या है। उसकी वाइफ आते ही उसकी वो रियलनेस सामने आती है। इसलिए कुछ लोगों को कंप्लेंट होती है कि हमारे लड़के को बदल दिया। नो, प्रकाशित कर दिया कि आपका लड़का कैसा था। वो शुरू से ही ऐसा था। प्रेज द लॉर्ड। ये वो लेंस है जिसके द्वारा आपका बेटा दिखता है आपको। वो शुरू से ऐसा था लेकिन प्रकट नहीं था। स्त्री ने आकर उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी, उसकी नेचर, उसकी क्वालिटी, उसकी बोल्डनेस, उसकी स्थिरता, उसकी मजबूतीपन को प्रदर्शित प्रकाशित करना आते ही चालू कर दिया। क्योंकि स्त्री को यही काम दिया गया है कि वो अपने पुरुष की महिमा करे। कलीसिया उद्धार पाती है जब हम विश्वास में आते हैं और हम जाते थे क्या बोलते हैं, ओ प्रभु बहुत मान है, ओ प्रभु बहुत मान है, हमारी काम वाली भाई को प्रभु बहुत मान है, हमारे सर मैडम को प्रभु बहुत मान है, फ्रेंड सर्कल को मैं तो मसीह हूं, मैंने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया। आते ही प्रभु अपने स्वामी की महिमा प्रकट कर दी। हालेलुया, आते ही प्रकट हुआ वो पुरुष कौन है। प्रेज लॉर्ड। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा प्रकाशित करती हो। चर्च के ऊपर है कि हम कैसा बता रहे हैं। क्या हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है समाज में? इसका मतलब पुरुष कैसा है वैसा ही प्रकाशित होगा कि नहीं होगा, ये आप पर डिपेंड। बहुत बड़ी जवाबदारी। हालेलुया। अभी भी हमने सतह नहीं वो की है, ये भेद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भेद। पॉलो जी ने कहा ये भेद बहुत बड़ा है, आत्मा परमेश्वर जी के द्वारा ये बताया कि ये बहुत भेद बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं मसीह कलीसिया के विषय में, इन चीजों का प्रचार हो रहा है, सावधान हो जाना। क्योंकि कलीसिया के द्वारा जब प्रधानता और अधिकारियों को प्रकट होता है प्रभु कैसे हैं, प्रभु की महिमा कैसी है, तो वो स्त्री के द्वारा आते ही पुरुष की भी महिमा प्रकट होती है। तो सीक्रेट्स भी यहाँ पे एक चिंता का विषय है। वो स्त्री के लाइफ के द्वारा पता चलता है कि आदम के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, पहले वो भी नहीं पता था। लेकिन वो स्त्री पूछती है और आदम जितना बताते हैं उसके हिसाब से पता चलता है, ये आदम ऐसे हैं, ये आदमी ऐसा है, उसने कभी अपनी जबान से वो बातें नहीं बताई जो उसकी स्त्री उससे पूछ रही है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल कि आप वो पूछते भी हो कि नहीं और बताते हो कि नहीं और प्रकट करते हो कि नहीं।
कई सारा भेद जब हमें पता चल जाता है, प्रभु कहते हैं किसी से नहीं कहना। जो चर्च को भेद पता है चर्च तक सीमित है। कई सारे भेद, उद्धार की बात नहीं कर रहा हूं, उद्धार तो चर्च सबको बताता है, लेकिन भेद की बात बता रहा हूं। और स्त्री को समझना चाहिए कि वो चीज जो उसे जानना उचित नहीं है उसके स्वामी तक रहे तो अच्छा है, वो जानने की कोशिश ना करे। हम भी कई बार प्रभु जी से बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश करते हैं, हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि अभी हमारा या तो स्तर नहीं है या वो इंफॉर्मेशन प्रभु चाहते नहीं कि प्रकट हो, क्योंकि शत्रु भी है जो सुन रहा है। इसलिए बी वेरी केयरफुल जब आप अपने स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड जो आपके हस्बैंड है उनसे जब पूछते हो, तो ऐसा क्या है जो शत्रु जानना चाहता है स्त्री के द्वारा, और स्त्री के पास पावर है, अगर वो पूछेगी तो वो बता देगा कुछ भी हो जाए। मैं सच कह रहा हूं। और सेम पावर का यूज किया था दलीला के द्वारा, आप समझ रहे हो। बात ये नहीं है कि वो दलीला ही दलीला थी, आपके अंदर कभी दलीला नहीं आना चाहिए ना ही इजेबेल, क्योंकि जहां परमेश्वर आपको अपने स्वभाव से भरकर एक अच्छी राइचियस वूमेन बनाना चाहता है, अंधकार आपकी लाइफ में दलीला के नेचर को और ये दूसरे नेचर को डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल ना हो, मेरी दुआ है। अब आप समझ रहे हो, आप उसकी महिमा की तो उसकी गिरावट के भी कारण बन सकते हो, लेकिन प्रभु ना करें कि आप बनकर। अब आपके ऊपर सारा का सारा दामोदार रखा है, आप अपनी पोजीशन को कितना ही छोटा समझ लो, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर बहुत बड़ा दामोदार रखा है। प्रभु ने कहा कलीसिया है ना, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा जिसपे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और वचन कहता है स्त्री अपने घर को बनाती है, वहां कलीसिया बनाएंगे प्रभु, और यहां स्त्री घर को बना रही है। हाँ, आपकी पोजीशन छोटी नहीं है, चर्च को प्रभु ने बहुत बड़ी पावर दी है, बस वो आधीन हो जाए और उस पावर का सही इस्तेमाल करे। स्त्रियों आधीन हो जाओ वो आत्मिक पतियों के, जो प्रभु जी जैसे हैं, प्रभु जैसे बनना चाहते हैं या बन रहे हैं या हैं, कुछ कुछ रूप में, थोड़ी थोड़े क्षेत्रों में, और वो पावर को लेकर आप उस पावर को पॉजिटिवली एक्टिव करो अपने घर में। आपको समझना चाहिए उस पुरुष के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है और वो पुरुष परमेश्वर की महिमा है, और उस महिमा को आप रोक देते हो जब आप आधीन नहीं होते हो, वो महिमा उस तक ही रहती है, लेकिन आधीन होने के द्वारा वो रास्ता खुलता है कि वो महिमा उसमें से होकर आप तक आती है, और फिर वो महिमा अब आपके अधीन आपके बच्चे रहते हैं, आपके अधीन आपका व्यापार रहता है, आपके अधीन सब रहता है, तो वो महिमा आपके जीवन से होती है। तो यहां आपके द्वारा पुरुष, पुरुष के द्वारा प्रभु की, और सारी चीजों से मिलकर केवल परमेश्वर की महिमा होती है। वचन कहता है वो स्त्री दूर से जहाज से अपनी भोजन वस्तु बुलवाती है, मतलब उसका प्रभाव इतना दूर है। आप अपने आप को छोटा समझो लेकिन आपका प्रभाव बड़ा दूर जाता है, आपका प्रभाव बहुत पावरफुल है, बहुत दूर जाता है, और आपकी आपकी पावर इसमें है कि आप प्रोटेक्ट करो। प्रेज लॉर्ड, कवर्ड करो। दलीला वो है जो अपने पति के सीक्रेट रिवील कर दे, प्रेज लॉर्ड। एक धन्य स्त्री वो है जो उसके सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने दे। ये दुआ करो आज से, मैं अपने पति के सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने दूं, कभी कोई रिवील किसी पर रिवील ना करूं। प्रेज लॉर्ड। हिजकिय्याह ने जब रिवील कर दिया तो वो महिमा चले गई। आप रिवील मत करना,
कई बार हम अपने बड़बोलेपन में वो बातें बोल देते हैं जो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। दूसरे नहीं देखकर समझेंगे। वचन कहता है, बता तेरा प्रेमी किस बात में इतना सुंदर है, तू इतनी बड़ाई क्यों कर रही है? वो सीक्रेट आप तक है, आपकी सहेलियों को बताने के लिए नहीं है, है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। प्रभु भी चर्च के लिए आया और फोकस प्रभु ने यहूदियों पर किया और इसराइलियों पर किया। और जब है ना, समझ रहे हो, प्रभु बहुत से संवेदनशील थे कि वो किसको क्या दे रहे हैं। चर्च को बहुत संवेदनशील रहना है, वो किसको क्या दे रही है। प्रेज लॉर्ड। चर्च को इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है, बुद्धि समझो ज्ञान प्राप्त करके, कि हम अपने दायरे में ऐसे लोगों को ना आने दें जो इसका भाग नहीं है। चर्च एक यूनिट है, उसकी एक सबसे छोटी यूनिट एक फैमिली है। प्रेज लॉर्ड। जिस तरीके से चर्च में घुसने की कोशिश शत्रु करता है, उसी तरीके से उस फैमिली में भी घुसने की कोशिश शत्रु करता है। और अच्छी बातों के द्वारा, बहकाने के द्वारा, अच्छी अच्छी बातें, ताकि स्त्री पोजीशन दे दे उन लोगों को उस वाटिका में आने की। स्त्री के पास ही आया जाता है, पुरुष को तो पता है वो नहीं हिलेगा। इसलिए स्त्री का रास्ता लेकर उस वाटिका जो अब दृढ़ हो चुकी, अब उसके अटैक खत्म होने वाले, अब कोई सेंध दिख नहीं रही, तो वो स्त्री का सहारा लेकर उस वाटिका में घुसने की कोशिश की जाती है, ताकि वापस उस वाटिका में सांप जाए। हालेलुया। आंखें खुल रही हैं आपकी। क्यों प्रभु ने, क्यों वचन में ये लिखा हुआ है, आदम ने क्यों, वचन में क्या लिखा हुआ है, पुरुष अपने माता पिता से अलग होगा, वे एक तरह के, इसका मतलब उनकी वाटिका डिफरेंट वाटिका है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलग होकर रहना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, ये प्रीच नहीं कर रहा हूँ मैं। कई लोग बड़ा ठोकर खा जाते हैं, है ना। प्रेज लॉर्ड। लेकिन गवर्नमेंट की बात है मेरे भाई। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को। अलग सेपरेट रहोगे तो आपकी वाटिका में नहीं घुसेंगे लोग। इसलिए साथ में रहकर भी आपको बहुत ऐसा वाटिका को बनाना है कि उसमें अनु के कोई परमिशन ना हो किसी की। और जितना आपने रास्ते खुले छोड़े होंगे, उतना सांप घुसेगा। और मैं यकीन दिला के कहना चाहता हूं, शत्रु की चाल है कि उस विवाह को बर्बाद कर दे। ऊपर से दिखाई दे कि कितना अच्छा परिवार है, सब मिलकर रहते हैं, लेकिन अंदर से बर्बाद हो चुके हो आत्मिक रीति से। आप ऊपर से क्या दिख रहे हो उससे इंपॉर्टेंट है आप अंदर आत्मा में कितने सुंदर हो। आपकी वाटिका की नींव अच्छी है, शहरपना लगी हुई है, समाज आपको प्रेशर देगा, उससे इंपॉर्टेंट यह है कि प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा वचन आधारित, मैं कहूंगा वचन आधारित चलो। क्योंकि अच्छी बातों का सहारा लेकर, बड़ी बड़ी आशीषों की चर्चा करके, नींव को तोड़ने के लिए स्त्री के द्वारा वाटिका में कोई घुसने की चाल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बात समझ में। स्त्री आप वो द्वार हो जो सीधे आदम में खुलता है। कलीसिया में आके लोग डायरेक्ट प्रभु से जुड़ जाते हैं ना, ऐसे ही आप वो द्वार हो जिसके खुलते ही डायरेक्ट आपके पति से जुड़ते हैं लोग। अब आपको बंद करने वो द्वार, आपको आके देखना है कि वो कौन सा द्वार है जो खुला है। स्त्री जब घर में आती है तो सबसे पहले देखती क्या व्यवस्थित है, नहीं है, आज भी है ना, मैंने देखा मेरी माँ जब घर में आती थी, वो देखती थी कहाँ पर क्या रखा है, किचन में क्या व्यवस्थित है, क्या नहीं है, कौन सा दरवाज़ा खिड़की कहाँ, सब कुछ सिस्टमेटिक। स्त्रियों का काम ये होता है ना, वो देखती घर में आते थे, पुरुष को नहीं पता कि वो घर कितना गंदा है, स्त्री आते ही देख लेती है
कब से झाड़ू नहीं लगी, कब से पंखे नहीं पूछे, कब से डस्टिंग नहीं हुई, है ना, खाना में क्या बनाया क्या खाया ये भी पता कर लेती डब्बों, इतनी डिटेल में उसको इन्फॉर्मेशन होती है अपने घर की, आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। प्रेज़ लॉर्ड, आप रास्ते बंद करो उस लाइफ में। प्रेज़ लॉर्ड, एक सही लड़की आती है जब एक पुरुष की लाइफ में, तो बाकी सारी गलत लड़कियों के द्वार वो बंद कर देती है उसकी उपस्थिति मात्र से। उसकी उपस्थिति मात्र से वो सारी स्त्री, बाकी स्त्री, सारी स्त्रियों के रास्ते बंद करती है वो। मैं कह रहा हूं सारी। प्रेज़ लॉर्ड। और जो वैलिड लोग हैं उनको, उनके लिए ही दरवाजा खुला होता है, लेकिन वो भी पूरी निगरानी के साथ, पूरी फुल स्कैनिंग चलती रहती है, बारीकी से स्कैनिंग। पुरुष रिलैक्स है, स्त्री केयरफुल है। प्रेज लॉर्ड, आपके पास बहुत बड़ी बुलाहट और जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी छोटी नहीं। प्रेज लॉर्ड, पुरुषों समझो, आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वो आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, इस धरती पर अगर इंसानों में कुछ है तो आपकी पत्नी ही है बस आपके पास, क्योंकि भाई बहन यहां तक कि बच्चे सब अपने अपना रास्ता ले लेते हैं, केवल आप और आपकी पत्नी बचते हैं बस। तो बीच में आने जाने वाले लोगों को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। प्रेज लॉर्ड, खबरदार, अपनी पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं खबरदार नहीं बोलू। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि शुरू, शुरुआत और अंत में केवल वही है जो आपके साथ है, आपका पति और आपकी पत्नी। बीच में तो बस ट्रैफिक है। प्रेज लॉर्ड, ट्रैफिक है, आता जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो उन बच्चों के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो उन सारे उतार चढ़ाव, सारी बातों के लिए, लेकिन तब भी आप दोनों खड़े थे और लास्ट में भी आप दोनों खड़े रहोगे। प्रेज लॉर्ड, और अकेले नहीं हो, प्रभु जी वहाँ हैं, प्रभु जी की प्रेजेंस है। आपकी सबसे बड़ी पावर यह है कि आप प्रभु में हो और आपके साथ आपकी पत्नी है। प्रेज लॉर्ड, आपके बच्चे वास्तव में आपके बच्चे जरूर हैं, लेकिन आपको बस जवाबदारी के रूप में दिए गए हैं। वो अपने अपने जीवन साथी के साथ चले जाएंगे किसी दिन। जो स्त्री पैदा हुई है वो किसी पुरुष के लिए पैदा हुई है, वो उसके पास जाएगी, वो उसकी पत्नी है, उसके उस स्त्री के ऊपर उस पति का अधिकार है। आप अपना मन और दिल किस पर लगा रहे हो? उस पर जो जीवन भर आखिरी सांस तक आपके साथ है, या उन पर जो आए हैं जाने के लिए? ये स्टेटमेंट ठीक नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ सुखी रहो, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन एक डिटेल फिर भी दी गई है कि तू अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन के कुछ दिन जो तुझे धरती पर दिए हैं सुखी सुखी रहे, प्यारी पत्नी के साथ। वचन में लिखा है प्यारी पत्नी के साथ सुखी रहे। ये तेरा भाग है, ये तेरा पोर्शन, ये तुझे दिया गया, ये तू ले, रिसीव कर और इसको अपना मान, क्योंकि ये नहीं जाएगा तेरी लाइफ से। तेरा बिजनेस नहीं, बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, लाइफ पार्टनर। आप मिनिस्ट्री में करके आ जाओगे, चर्च में आप 1 घंटे पुलपिट पर खड़े हो, लेकिन बाकी 23 घंटे आप उस लाइफ पार्टनर के साथ। आपकी वो 1 घंटे की मिनिस्ट्री कितनी पावरफुल है, इस पर डिपेंड है आपके वो 23 घंटे कितने पावरफुल हैं, आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपकी लाइफ। लाइफ इतनी उलझी नहीं है, मत उलझाओ उसको, सिंपल है। आपकी लाइफ पार्टनर और प्रभु। सिंपल है ना लाइफ? रिलैक्स, दो वक्त की रोटी आपको प्रभु खिलाएंगे ही। आमीन। वो पाने के लिए अपनी मैरिज को मत तोड़ दो, मैरिज का सौदा मत करो। प्रेज
प्रेज द लॉर्ड, पहला समय प्रभु को जाता है तो दूसरा समय आपके लाइफ पार्टनर को जाना चाहिए, बिजनेस को नहीं, जॉब को नहीं, मिनिस्ट्री को नहीं। फाउंडेशन पे तो टिकी है बाकी चीज़, आपका बिजनेस तो इस पर टिकाएगी, आपकी मैरिज कैसे होगी, आपकी मिनिस्ट्री कैसे होगी। खैर, प्रेज द लॉर्ड, हम सतह पर ही रहे लेकिन हम आशीषित हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पता है मूसा जी इतने आत्मिक थे, लेकिन मूसा जी की वाइफ जो थी सिप्पोरा, अगर आपको बस ये ज्ञात हो कि है ना, प्रेज द लॉर्ड, हमको कई चीजें नहीं पता लेकिन हमारी वाइफ की दुआओं ने शायद आज हमें बचाया हो। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी अपनी जीवन साथी का आदर करो, वचन कहता है एक दूसरे का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। वो लाइफ पार्टनर आपकी ब्लेसिंग है, रिस्पेक्ट करो। वो कमज़ोर है कुछ चीज़ों में जो आपको लगता है, लेकिन अगर प्रभु की दृष्टि से देखोगे आप तो वो स्ट्रांग है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, शरीर में आपको लगेगा कि वो उसके पास इतनी मांसपेशियां नहीं जितनी आपके पास हैं, तो आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप उसको प्रोटेक्ट करो। स्त्री को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन, कवरिंग, केयर, लव, पीस, अपनापन, खासपन, जो उसको कहीं से नहीं मिला वो आप उसको प्रोवाइड करो, वो आपको वो देगी जो आपको चाहिए, साथ, ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड, बहुत कुछ आपको मिलेगा और ये देखकर प्रभु को खुशी होगी, और फिर आपकी वेदी से जो धुआं उठेगा प्रभु को अच्छा लगेगा, खुशी होगी प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। और अगर ये मैरिज अच्छी है तो याद रखो, उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हमेशा ख्याल रहता है, उन इंसानों को, उन परिस्थितियों को, उन चीज़ों को, द्वार को बंद करके वहाँ पर वॉचमैन तैनात करो, पहरुए लगा दो डिटेल में कि ये इंसान को कभी घुसने नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन, मोहर लग गई, रास्ता बंद है, वो खुलेगा ही नहीं कभी। क्या आप ये करते हो हर समय? अपनी शहरपना में नई नई मोहरे लगाते हो क्या? आपकी हर परिस्थिति जो आपकी मैरिज में अटैक करने के लिए आते हैं वो लिस्ट में होते हैं आपके, जिन पे मोहर लगनी चाहिए कि ये इंसान खतरा है, ये मैरिज में अनुपस्थित, इसकी प्रेजेंस स्वीकारी ये नहीं होगी आपसे, और मोहर लगा दी जाए, कोई भी दिन, कोई भी परिस्थिति, कभी भी नहीं। और अपनी शहरपना पर मोहरें बढ़ाते जाओ, द्वार बंद करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री के आते से ही वो सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जो बड़े प्रेम से आते तो हैं पास में, लेकिन उस स्त्री के आते ही बता देते हैं कि वो कौन है। पुरुष के हितैषी थे ही नहीं कभी, बस भावनाएं थी उनकी पुरुष के लिए कुछ, कभी उसका अच्छा चाहते नहीं थे, लेकिन वो स्त्री आके बिना स्वार्थ के बस चाहती है कि उस पुरुष का भला हो। तो उस स्त्री को नीचा मत दिखाना दूसरी लड़कियों और औरतों या किसी के भी कारण, वो आपकी ब्लेसिंग है। जितना आप बड़ों का आदर करते हो, सबका करते हो, वो अच्छा है, लेकिन उनका उनको आदर दो अपनी वाइफ को अनादर देते हुए, ये प्रभु की इच्छा कभी नहीं होगी। आपकी महिमा को आप बचाओ, प्रोटेक्ट करो आपकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपकी महिमा, आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था और समय हो गया है, मुझे लग रहा था शुरू होगा अभी थोड़ा सा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि शुरू भी नहीं हुआ है अभी तो, और समय हो गया है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत भेद हैं जिनके लिए सीमित समय में कैसे उन्हें प्राप्त किया जाए, हालेलुया। लेकिन प्रभु अनुग्रह करे कि अनुग्रह की खिड़की फिर खुले, कि हम प्रभु से सीखें
क्योंकि प्रभु से ही सीख सकते हैं, वो ही जानते हैं, केवल केवल प्रभु जी बता सकते हैं हमें। हम उस पोजीशन में आ तो गए, लेकिन उसकी सुंदरता अगर जान जाए तो हमें तो लगे कि बस प्रोटेक्ट एक ही चीज़ को करना है, बाकी सब प्रोटेक्टेड है। आप नींव को बचा लो, बाकी सब बच जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को बनाता है चट्टान पर। मैरिज की फाउंडेशन, मैरिज खुद एक फाउंडेशन है, तो उस फाउंडेशन की फाउंडेशन को सिक्योर रखना कितना इम्पोर्टेंट होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु, शत्रु का पहला अटैक मैरिज पे क्यों है, शायद उसके थोड़े थोड़े भेदों को हम समझ पाए हैं, लेकिन प्रभु भूख इतनी हमारे अंदर है कि प्रभु हम और जानना चाहते हैं। प्लीज़ दया करना पिता, दया कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए। हम आपके पावन चरणों में आ जाते हैं प्रभु, आपकी प्रेजेंस में आ जाते हैं राजा जी, आपकी प्रेजेंस में आ जाते हैं प्रभु जी। नम्र और दीन और शून्य होकर हम प्रार्थना करके कहते हैं राजा, प्लीज़ आप हमारी सुध ही लीजिए पिता, कि प्रभु जी हम उस भेद को समझ सकें। मेरे खुदा, हम समझें इस भेद को राजा। रुदनांद लबारा विषादिया लहुरांद बहुशखंद लेहेंद लहुषदिया लहुर यंदलवे। हम समझें इस भेद को राजा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसे छोटा ना समझें। प्रभु, हर एक पुरुष अपनी स्त्री के महत्व को समझे, क्योंकि जब वो पीड़ा में रहते हैं प्रभु, केवल वो स्त्री ही है जो खड़ी दिखती है। सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में, ओ मेरे राजा, कोई नहीं होता पिता, केवल आप होते हैं, और उसे जिसे आपने दिया है पिता, वो होते हैं। हालेलुया, अंदर बड़ा, अंदर बड़ा। हालेलुया। प्रभु हमें हर बुराई से बचाएं, हर एक नेगेटिविटी से प्रभु हमें बचाएं, प्रभु की उपस्थिति में हमारा जीवन छुपा पाया जाए। प्रभु हमें ब्लेस करे, हमारे लोगों को ब्लेस करे, हमारे अपनों को ब्लेस करे। प्रभु जी हमारे हमारे चारों तरफ की जो मैरिज, प्रभु जी हर एक मैरिज जिनकी हो चुकी है वो मांगे कि प्रभु उन्हें ब्लेस करें, प्रभु हमें ब्लेस करें, लॉर्ड ब्लेस करें, लॉर्ड ब्लेस करें, प्रोटेक्ट करें लॉर्ड, हमें प्रोटेक्ट करें शत्रु से। हालेलुया, हालेलुया। रियान तलबा शंद्रियाल रहंद्री बलर खंद्री बलर खंद्री अनकर बद्रियाल रहंद्र बलर ए शूदन मन दुनिया अंदर बार बुद्धियाल रखंदिर मिनी खरी बुद्धियाल बुद्धियाल बलर बुद्धियाल बलर खिद्रिया निकेत बच्चोड़ बा। अब ब्लेसिंग हो एक दूसरे की, हालेलुया। अब ब्लेसिंग हो एक दूसरे की, हालेलुया। और यान दलबर यान दर बलर खिंद्रियाल रखंदिर बलर खिंद्र बिनी खरी बुद्धियाल रखंदिर बिनी खरी बुद्धियाल बा। ओ द्रहद्र बहद्र बहादी अलहू निखिरी अद्र बड़ा बा शद्रियाल रखंदिर बिनी खरी बुद्धियाल रखंदिर बिनी खरी बुद्धियाल रखंदिर बिनी खरी बुद्धियाल बा। प्रभु जी हमारी सुधि लें, हम सब की सहायता करें। जो भेद हमने जाना है, याद रखो ये भेद कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपकी मैरिज पर अटैक होते हैं। प्रभु आपकी मैरिज को हमेशा बचाएं, प्रभु हम सबको बचाएं। और शत्रु इन इस मैरिज शत्रु मैरिज पर इसीलिए अटैक करता है, आप अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करें। और जो जवान हैं, कुंवारे हैं, किसी से भी यूं मत जुड़ो, चाहे वो कितना अच्छा दिखता हो, कितनी अच्छी दिखती हो, कितना वादा करता हो, प्रभु में कितना हो, कितना उपास और अन्य भाषा में दुआ करता हो, नहीं। प्रभु ने जो रखा है, आपको पसंद हो या ना हो, उससे कर लो शादी। आप हमेशा ब्लेस रहोगे। और आपका किसी चीज़ को पसंद करना नहीं करना, ये इस पे डिपेंड है कि आप कौन हो, वो कौन है, इस पे नहीं। क्योंकि सुअर को मोती का महत्व नहीं पता, इसलिए प्रभु कहते हैं सुअरों के आगे अपने मोती मत डालो,
आपको अगर अपने लाइफ पार्टनर का महत्व तो नहीं पता तो प्रभु जी से पूछो, वो आपको प्रभु बताएंगे कि वो लाइफ पार्टनर कौन है, और फिर आपको उसी लाइफ पार्टनर से शादी करनी चाहिए, उसी लड़की या लड़के से जो प्रभु की ओर से नियुक्त है, क्योंकि दुनिया में 10,000 नहीं बने होते, केवल एक ही जीवन साथी हमारे लिए है, ओनली, और वो कौन है उस तक पहुंचना बहुत बड़े मिरेकल्स में से एक है। इसलिए हालेलुया। वेट करो, चाहे आपकी उम्र 25 से 30 हो जाए, 30 से 35, और या आगे पीछे, फर्क नहीं पड़ता, आप मेच्योर बनो, प्रभु के सम्मुख आप भरोसे लायक बनो, ताकि प्रभु अपनी बेटी को आपकी लाइफ में भेजे या अपने बेटे को आपको दे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु उसे ही देते हैं जिस पे प्रभु भरोसा करते हैं। हालेलुया। और आप प्रभु के भरोसे को कभी नहीं तोड़ना, कभी नहीं तोड़ें। प्रभु करे कि हम अपने प्रभु के भरोसे को जो हम पर करे प्रभु ने किया है, हम कभी ना तोड़े। मेरी ये दुआ है, हमारी दुआ है। प्रभु हमें विश्वास योग्यता देता कि हम हमेशा भरोसेमंद और विश्वास योग्य बने रहें प्राण देने तक। हालेलुया। मैरिज बहुत स्पेशल और यूनिक होती है, बहुत स्पिरिचुअल होती है, केयर करें। हालेलुया। और गलत शादी ना करें, नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु के वचन में तो ऐसा लिखा है, मेरे मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, मैं उनके अधीन कैसे हूं, वो तो विश्वास में ही नहीं है, वो तो ऐसा करते हैं। तो आपने क्या प्रभु से पूछ के विवाह किया था जो आप प्रभु को ब्लेम दे रहे हो? वचन को अगर आपको, अगर आप लाइफ लॉन्ग वचन के आधार पर चलना चाहते हो तो वचन के आधार पर शादी भी करो, फिर वचन को ब्लेम नहीं कर सकते आप। वचन के आधार पर विवाह करोगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, कुछ नहीं होता, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, सब प्राण बंधन है, सब टूट जाएगा, प्राण बंधन टूट जाते, लेकिन आप आजाद हो जाओ ताकि आप सही लाइफ पार्टनर से मिलो। हालेलुया। लाइफ कितनी ब्लेस्ड है ये आपको तब पता चलेगा, प्रभु की योजना कितनी प्योर है ये आपको तब पता चलेगा जब आप सही व्यक्ति से जुड़ोगे, सही लाइफ पार्टनर के पास आओगे। आपकी लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग ही आएगी, प्रभु आपको महिमा देंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने पावर दी उन लोगों को, आदम हव्वा को, आज भी कलीसिया के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होनी है और हम सबको यही काम करना है। लेकिन कलीसिया की सक्सेस आपकी विवाह की सक्सेस पर डिपेंड है। आपके चर्च में 10 अगर शादीशुदा परिवार हैं तो वो 10 अगर परफेक्ट हैं तो आपका चर्च इतना ज्यादा परफेक्ट और पावरफुल होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके रिलेशनशिप मजबूत रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पर्सनल प्रेयर भी रुक जाती हैं। समझो इस चीज को, पति को नाराज करके कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं प्रभु को हम खुश कर रहे हैं, नहीं, आपसी सम्मति में करो, सहमति में करो, आधीनता में करो, आदर के साथ करो, प्रेम के साथ करो, प्रभु को भाता है वैसा करो, तभी तो भेंट स्वीकार होगी, तभी तो वेदी पे से आग जलेगी। उस स्त्री से प्रभु ने कहा जिसके साथ वो रह रही थी बिना शादी के भी, तेरा पति कहाँ है? इसका मतलब प्रभु की दृष्टि में आप शादीशुदा हो। जब प्रभु ने उस स्त्री से कहा तो क्या आप जिनकी शादी हुई है प्रभु आपसे नहीं पूछेंगे तू अकेली क्यों आई, अपना तेरा पति कहाँ है, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, तेरा पिलर कहाँ है, तेरी फाउंडेशन कहाँ है, तुम्हारी मैरिज वो फाउंडेशन है जिस पर मैं ब्लेसिंग रखूंगा वो कहाँ है? हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? आदम हव्वा को प्रभु ने असाइनमेंट दिया था कुएं पर, उस स्त्री से प्रभु कहते हैं तेरा पति कहाँ है, उसको ले आ। क्यों? क्योंकि प्रभु उन दोनों को एक बुलाहट और असाइनमेंट देना चाह रहे होंगे, क्योंकि प्रभु मैरिज को देते हैं असाइनमेंट। इंडिविजुअल आप कहेंगे मैं को आ रहा हूं या मुझे शादी नहीं करी या नहीं करनी, क्या मेरे पास असाइनमेंट नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, प्रभु जिसको जैसा बुलाते हैं प्रभु उसको वैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु ने हर मैरिज के लिए एक पर्पस रखा है, तो आपकी मैरिज का भी एक पर्पस है और प्रभु वो साथ में ही आपको देंगे, अकेले नहीं। प्रेज लॉर्ड। कई लोग को अपनी बुलाहट समझ नहीं आती जब तक शादी नहीं करते, क्योंकि वो असाइनमेंट उनको तब तक नहीं मिलता। हालेलुया। प्रभु हम सबको ब्लेस करें, हम सबको आजाद करें इस वचन के द्वारा, हम सब ब्लेस्ड हों, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, पाप बुराई व्यभिचार और घमंड से प्रभु हमेशा बचाएं हमें, प्रभु हमेशा हमें प्रोटेक्ट करें, प्रभु हमेशा हमारी केयर करें, प्रभु हमेशा हमें सुरक्षित रखें,
प्रभु हमेशा मैं इस टूटने से बचाएं, पति पत्नी अलग ना हो, इन जीसस नेम प्रभु हम सबको ऐसी आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासीगणों के साथ प्रभु जी के दूसरे अंग मन तक वर्णी वाणी होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और निरंतर उपवास में रहें, प्रार्थना में रहें। ये दिन जो था खैर रविवार, जैसे हमने सुना अभी कि किस प्रकार से प्रभु यरूशलेम में प्रवेश किए और किस प्रकार से प्रभु ने ब्लेस किया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु केवल हम प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी ने हमने ये स्मरण भी किया कि किस रीति से प्रभु को लादू के बच्चे ना गधी के बच्चे पर प्रभु सवार हुए, इस विषय में भी हमने चर्चा की सारी बातें। लेकिन जो संदेश प्रभु ने आज के रविवार के दिन दिया वो आपको ये दिया, इसका मतलब प्रभु को इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ आप वो जो चीज़ें हो गई हैं आप उसको समझो, जरूरी है, हम याद करते हैं, आज भी हमने किया है बैठ के, ये सब हमने चर्चा की, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं वास्तव में, कि हम बस चर्चाएँ करें या कुछ अपनी लाइफ से अब कुछ करें। मेरे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम केवल एक रीति से नहीं चलें बल्कि प्रभु क्या चाहते हैं वो प्राप्त करें, और आज के दिन प्रभु ये चाहते हैं हमसे, इसलिए ये वचन प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि प्रभु जी को पता है प्रभु वापस से अपनी महिमा में आएंगे और वापस से प्रभु की महिमा होगी और उस कलीसिया को लेने जो सिद्ध है, निर्दोष है, निष्कलंक है, बिना दाग झोरी की है, और उसके लिए प्रभु ने एक एक मैरिज को रखा है, क्योंकि एक एक बूंद से ही सागर भरता है। एक मटके पानी में कितनी सारी पानी की शुद्ध बूंद होती है, लेकिन अगर उसमें चार बूंद ही अगर जहर डाल दो तो पूरा पानी जहरीला हो जाता है। हम एक एक बूंद हैं, एक एक मैरिज एक एक बूंद है उस कलीसिया की, जो एक पूरा का पूरा जल है, कट्टी झुंड है। प्रेज लॉर्ड। तो आपको अपनी मैरिज को कितना ज़्यादा सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है। आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखो अगर अटैक हो रहा है इसका मतलब किसी ने सीरियसली आपकी पर्सनल प्रेयर पर अटैक नहीं करके मैरिज पर किया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। नीवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। अब आप सोच लो, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। प्रेज लॉर्ड। ऐसे रहो कि आप प्रभु की महिमा हो।